जोधपुर जिले के बावड़ी उपखंड क्षेत्र में पाली सांसद पीपी चौधरी दिन भर दौरे पर रहे। इस दौरान कई गांवों में सांसद कोष से हुए 1 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया तथा विनायकपुरा की एक स्कूल में 5 लाख के लागत से भवन बनाने की घोषणा भी की। सभा को संबोधित करते हुए पाली लोकसभा के सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने कर्ज माफी कर किसानों के साथ छलावा किया है। चुनाव से पहले संपूर्ण कर्ज माफी की घोषणा की थी, लेकिन सत्ता हथियाने के बाद में 18,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है, जिसमें पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार द्वारा किए कर्ज माफ के 8,000 करोड़ शामिल है। इस कर्ज माफी में राजस्थान के महज 20% किसान ही लाभान्वित होंगे, जबकि डिफॉल्टर का कर्ज माफ कर बैंकों व लेनदारों को प्रभावित किया है। इस मौके पर उन्होंने विनायकपुरा ग्राम पंचायत में 5 लाख रुपए तक की लागत से विद्यालय में हाल निर्माण करवाने की घोषणा की। विनायकपुरा भवाद कैलावा कला अणुअणा डावरा में सांसद कोष से हुए 1 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। देखिए, ऋण माफी है ही नहीं, ये तो छलावा है। आप देखिए, ऋण माफी इन्होंने, अगर इसका इतिहास हम देखें तो इन्होंने पंजाब में भी 58,000 करोड़ था, उसमें 1,700 करोड़ का ऋण माफ हुआ। ऋण माफी तब मानेंगे जब काश्तकार के खाते में वो पैसा पहुंचा देंगे। 1 लाख करोड़ काश्तकार का ओडीयू है, ऋण है काश्तकारों के लिए, वे हैं उसमें से ये कह रहे हैं कि हम 18,000 करोड़ की अभी बात कर रहे हैं। तो 92% जो काश्तकार है, 92,000 जो है उनको तो कुछ, 92% को तो कुछ ही मिलेगा, और 18,000 करोड़ में से भी 8,000 करोड़ तो हमारी सरकार के वसुंधरा राजे जी के हैं, तो कुल मिलाकर के पीछे 10,000 करोड़ ही रहे। 10,000 करोड़ में से ये 200 करोड़ देते हैं, 500 करोड़ देते हैं, 1,000 करोड़ देते हैं, तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है और किसानों के साथ छलावा है। बिल्कुल, ये किसानों के साथ सिर्फ गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। और जो किसान जो है खाते में तो बड़े लगते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत है कि वो बड़े नहीं है। कारण ये है कि उनके, हमारे यहाँ पर परंपरा है कि ये परिवार संयुक्त परिवार होता है, तो संयुक्त परिवार होने से एक काश्तकार के घर में 30-30, 40-40, 50-50 लोग होते हैं, तो उनके दादा परदादा के नाम जमीन है, उनके बेटे हैं, उसके बाद में उनके पोते हैं, पोते पड़ पोते हैं, और पड़ पोतों के नाम से जमीन नहीं चढ़ करके 2.5 एकड़ का जो रखा है, तो उनके नाम तो अगर अलग अलग बांटे तो वो तो करते नहीं है, वो तो सीधा खाता देखते हैं, खाता देखने में वो हो नहीं सकता। तो कुल मिला कर करके ये छलावा के अलावा कुछ नहीं है, किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, इससे बड़ा धोखा नहीं। समर्थन मूल्य पे मैं कहता हूँ कि अगर समर्थन मूल्य की जो बात है वो 100% किसानों पे लागू होती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। कब तक हो जाएगा समर्थन मूल्य का? तो मोदी जी ने जो है डेढ़ समर्थन मूल्य किया है, लेकिन खरीद की जो बात है, हमने खरीद के लिए हमने पुख्ता इंतजाम किए। ये खरीद का काम राज्य सरकार का है, उनको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। आज किसान परेशान है, मंडियों में कतारों में खड़ा है, उसको तकलीफ है, उसका अनाज नहीं बिक रहा है, और आज अखबार में पढ़ा होगा व्यापारी बेच रहे हैं लेकिन किसानों का नहीं बिक रहा है, किसानों के साथ में इससे ज्यादा धोखा क्या होता है। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।